अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम इसी को पढ़ेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है हमारे वायरसेस का जो टॉपिक है वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक सबसे पहले किसको कहते हैं बच्चे? करैक्टरिस्टिक कहते हैं किसी चीज़ की खसूसियत को, उनकी खासियत को क्या कहा जाता है? करैक्टरिस्टिक्स। वायरसेस से आप सब लोग आजकल तो बहुत अच्छे से ही वाकिफ होंगे जिस तरह से कोरोना वायरस आया हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक इस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उसके साथ बहुत रिलेट करता है। ठीक है, वायरसेस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ये हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले अगर हम उसके साइज़ की बात करें तो एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली का लफ्ज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर देना होता है, यानी कि हम इसको उर्दू में कह सकते हैं इंतहाई। ठीक है, ये इंतहाई छोटे होते हैं साइज़ में। इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी ऐसी चीज़ जो बीमारी फैला रही है, इन्फेक्शन फैला रही है, जिस तरह से आजकल कोविड है। ठीक है, तो वो क्या है? एक इन्फेक्शियस एजेंट है। वायरसेस क्या करते हैं? डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं। सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये सिर्फ किसके अंदर देखे जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। नेकेड आई से तो ये देखे ही नहीं जा सकते, लेकिन ना ये लाइट माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हो। अगर आप इसकी रेंज की बात करो, रेंज किसको कहते हैं कि इसकी सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ की रेंज क्या है, यानी कि सबसे छोटा वायरस कौन है और लार्जेस्ट के सबसे बड़ा वायरस कौन सा है। रेंज को आप अपनी नॉर्मल लाइफ में इस तरह से समझ सकते हो कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर आपसे पूछता है कि मैम आपकी क्या रेंज है, आपका बजट क्या है, कि आप सबसे कम पैसे कितने दे सकते हो और सबसे ज़्यादा पैसे कितने दे सकते हो। तो यही बात है कि स्मॉलेस्ट साइज़ कितने है तो और लार्जेस्ट साइज़ कितने है। अगर हम स्मॉलेस्ट साइज़ की बात करें तो 20 नैनोमीटर इसका क्या है? स्मॉलेस्ट साइज़। और लार्जेस्ट साइज़ कितना है? 250 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? अगर हम नैनोमीटर को डिस्कस करें तो नैनो को हम एन से लिखते हैं और इसमें 10^-9। ठीक है, तो 9 भी देखें एन से स्टार्ट होता है और नैनो भी एन से स्टार्ट होता है, तो ईजी टू रिमेंबर कि आप की रख लिया करें याद करने के लिए। अब 9 में कितने जीरोज आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जीरोज आएंगे। उसके बाद हम 20 लिखेंगे, यानी कि ये एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज़ है। ठीक है, अब आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 20 नैनोमीटर कौन से वायरस का साइज़ है या पार्वो वायरस का साइज़ क्या होता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है वो कौन सा है? पार्वो वायरस, और उसका साइज़ कितना है? 20 नैनोमीटर। और सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन सा है? 250 नैनोमीटर, और वो कौन है? पॉक्स वायरस। इसके नाम से आपको जाहिर है पॉक्स, यानी कि ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता होगा? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, उसके बाद इसका एक कंपैरिजन किया है वायरस के साइज़ का बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चे, बेशक आप उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए भी आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, बट अगर हम उसको फिल्टर पेपर क्या होता है बच्चे? एक पेपर होता है उसके ऊपर होल्स बने होते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप वाटर को या किसी भी फ्लूड को फिल्टर पेपर से गुजारो और उसके अंदर बैक्टीरिया हो, तो बैक्टीरिया साइज़ में इतने बड़े नहीं होते कि वो इन पोर्स में से गुजर सकें। ठीक है, ये बाकी सारा पेपर बंद होता है, सिर्फ ये पोर्स होते हैं, तो वो इन पेपर के ऊपर रह जाते हैं क्योंकि वो पोर्स में से पास नहीं कर सकते, तो जो पानी है वो सारा बैक्टीरिया से साफ हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। लेकिन जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया से भी 10 to 1000 times स्मॉलर हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से भी कितने स्मॉलर हैं? 10 to 1000 times। तो जब आप किसी भी पानी को या फ्लूड को इस फिल्टर पेपर में से गुजारो जिसमें वायरसेस होंगे, तो वो इन पोर्स के ज़रिए पानी के अंदर चले जाएंगे और वो फिल्टर नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन बताया। आगे देखें लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। सबसे पहले आप ये बात यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि जो मेटाबॉलिक मशीनरी है वो क्यों ज़रूरी है। आपकी बॉडी में दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी में DNA होना ज़रूरी है या RNA, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप में जो ज़रूरी है वो है प्रोटीन। किस तरह से? अगर आप सेल्फ एनालिसिस करें तो जो आपके नेल्स हैं वो भी किस प्रोटीन से बने हैं, या हेयर किस प्रोटीन से बने? केराटिन प्रोटीन से। फिर जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसफर होती है ब्लड में, वो कौन सी प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। जब आपको चोट लगती है, आपका ब्लड निकलता है, तो वहाँ पर जो कोगुलेशन होती है, क्लॉटिंग होती है ब्लड की, वो कौन करवाता है? प्रोटीन, फिब्रिनोजन प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी का मेन करेक्टर है। ठीक है, मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो दो चीज़ें किसी भी बॉडी में होना ज़रूरी है कि उसका न्यूक्लिक एसिड बन सके और उसकी प्रोटीन बन सके। तो इसके अंदर वो मशीनरी मौजूद नहीं है जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनाती है। तो वायरसेस के अंदर अपनी बॉडी में ना ही वो खुद का डीएनए बना सकता है, ना वो खुद की प्रोटीन बना सकता है। ठीक है,
तो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, डीएनए और आरएनए को, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और दूसरी चीज़ क्या है, प्रोटीन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है तो ये डिपेंड करते हैं होस्ट सेल पर। होस्ट किसे कहते हैं, अगर आप किसी के घर मेहमान जाते हो, ठीक है, तो आप क्या हो, मेहमान, और वो आपको क्या करता है, होस्ट करता है। जिस तरह से अगर आप आजकल जूम मीटिंग्स ज्वाइन कर रहे हो तो जो टीचर आपको लिंक भेजता है उसके नाम के आगे क्या आता है, होस्ट लिखा आता है। ठीक है, तो जो आपको रिसीव करता है वो आप उसको क्या कहते हैं, होस्ट, जिसके घर आप जाते हो। ठीक है, अब ये डिपेंड करते हैं होस्ट सेल पे, किस तरह से बच्चे, अब होस्ट भी एक सेल है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी उसके पास अपना डीएनए भी मौजूद है और वो मशीनरी भी मौजूद है जिससे वो क्या बना रहा है, अपने प्रोटीन्स बना रहा है। अब ये सेल बच्चे किसी एनिमल का भी हो सकता है, लिविंग सेल किसी प्लांट का भी हो सकता है और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, इवन बैक्टीरिया का भी ये सेल मौजूद हो सकता है जिसके अंदर क्या मौजूद है, मेटाबॉलिक मशीनरी। ठीक है, वायरसेस को सिर्फ गर्स किससे, इस मेटाबॉलिक मशीनरी से, क्योंकि इसके पास वो चीज़ नहीं है। अब वो क्या करते हैं, वायरसेस वो इस सेल के अंदर आते हैं, किसी भी सेल के अंदर जाएंगे और इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को हाईजैक कर लेंगे। लाइक किस तरह से, अगर आप देखते हो, आप लोग सुनते होंगे कि एयरप्लेन हाईजैक हो गया, तो हाईजैक करने के बाद वो उसकी मशीनरी को कंट्रोल करते हैं, इंजन को कंट्रोल करते हैं और फिर उसको अपनी मर्जी के मुताबिक डायरेक्शन देते हैं। इसी तरह से वो क्या होता है, जब वायरसेस इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में आता है तो इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को क्या कर लेता है, हाईजैक कर लेता है और फिर इसको खुद के लिए डायरेक्शन देता है कि अब तुम अपने, जैसे अगर ये बैक्टीरिया का सेल है तो वो बैक्टीरिया के डीएनए और प्रोटीन्स नहीं बनाने देगा उसको, नो, वो फिर किसके डीएनए और प्रोटीन्स बनवाएगा, अपने डीएनए और प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, तो डिपेंड ऑन होस्ट सेल फॉर इट्स वाइटल फंक्शन, वाइटल बच्चे कहते हैं अहम को। ठीक है, फंक्शंस कहते हैं कि कोई भी काम जो उनके लिए अहम है वो क्या है, वाइटल फंक्शंस, और वो कौन से फंक्शंस हैं, डीएनए का बनना या आरएनए का बनना और प्रोटीन का बनना। इसलिए जो इनकी रिप्रोडक्शन है, कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि प्लेट में खाना रख के किसी को देना, जो बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चे, लैब्स के अंदर क्या किया जाता है, एक प्लेट के अंदर बैक्टीरिया का तमाम खाना अगर हम रख दें, न्यूट्रिएंट जिस पे उसने ग्रो करना होता है, तो बैक्टीरिया यहाँ पर आके ग्रो करने लग जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की क्लोनीज यहाँ पे आपको नज़र आने लग जाएंगी, लेकिन वायरसेस के लिए आप उसको जो मर्जी चीज़ चाहिए आप इधर रख दो न्यूट्रिशन में, कभी भी वायरसेस जो हैं आर्टिफिशियल मीडिया यानी कि लैब में ग्रो नहीं करते। क्यों ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनके पास तो अपना डीएनए और प्रोटीन ही नहीं है, ऐसे ही है, उनके लिए ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी लिविंग सेल के अंदर जाके उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करके ग्रो करें। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि वायरसेस कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, रिप्रोड्यूस ओनली इन एनिमल, या वो एनिमल सेल में ग्रो करेंगे या वो प्लांट सेल में ग्रो करेंगे या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी ग्रो कर सकते हैं, बैक्टीरिया पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, अपनी रेप्लिकेशन करवाते हैं। रेप्लिकेशन का जो लफ्ज़ है वो निकला है रेप्लिका से, किसे निकला है, रेप्लिका। रेप्लिका किसे कहते हैं, अगेन अगर आप अपनी कॉमन लाइफ में देखते हो तो कोई भी अगर कोई ब्रांड का सूट आता है तो आप शॉप पे जाके कहते हो कि इसका कोई रेप्लिका यानी कि फर्स्ट कॉपी आपको मिल सकती है, तो रेप्लिका कहते हैं किसी चीज़ की कॉपी को। तो जब वायरसेस एक से दो, दो से तीन, ठीक है, बहुत सारी कॉपीज बना देते हैं किसी भी दूसरे जिससे बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके जब ये अपनी कॉपीज बनानी शुरू करेंगे ताकि ये फर्दर और सेल्स को इन्फेक्ट कर सकें, उसको क्या कहते हैं कि ये क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अपने होस्ट सेल के अंदर। अब आगे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। इसका क्या मतलब है, ऑब्लिगेट का मतलब है ज़रूरी, ऑब्लिगेट का क्या मतलब है, ज़रूरी या इम्पोर्टेंट। इंट्रा कहते हैं इनसाइड को, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर जाने को क्या कहते हैं, इनसाइड, और किसकी चीज़ के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर। इनके लिए ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कि ये किसी और होस्ट सेल यानी कि सेल के अंदर, इंट्रा कहते हैं इनसाइड ऑब्लिगेट, ये ज़रूरी है इनके लिए ज़िंदा रहने के लिए किसी सेल के अंदर जा करें। ठीक है, पैरासाइट किसे कहते हैं बच्चे, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है उससे खुद को फ़ायदा पहुंचाता है और इन रिटर्न उसको हार्म करता है। अब वायरसेस पैरासाइट किस तरह से हैं, सबसे पहले ये ऑब्लिगेट है क्योंकि इनके लिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि ये अपने डीएनए को बनाएं,
इसके लिए वो इंट्रासेलुलर जाते हैं, किसी भी सेल के अंदर जाएंगे क्योंकि मेटाबॉलिक मशीनरी किसी सेल के अंदर पड़ी होती है। फिर ये वहाँ पे जाके क्या करेंगे, इससे फ़ायदा लेंगे, अपनी कॉपीज बनाएंगे, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करेंगे, और इन रिटर्न उसको हार्म किस तरह से करेंगे कि उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, डिजीज़ कॉज कर देंगे। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चोटा को घर से घर में आ जाते हैं और घर में आके वो उसकी मशीनरी को होल्ड कर लें, ठीक है, आपके घर के जो सिस्टम है उसको होल्ड कर लें, तो पूरा घर हिल कर रह जाएगा। तो वो यही कर रहा है कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया के घर के अंदर आकर उसकी मशीनरी को उसने होल्ड कर लिया, हाईजेक कर लिया, तो बेचारे जो बैक्टीरिया है उसके अंदर इन्फेक्शन ही कॉज होगा ना, डिजीज़ ही कॉज होगी। इसलिए इनको कहा जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है उससे खुद के लिए फ़ायदा लेता है और इन रिटर्न उसको हार्म करता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। वेरी इंपॉर्टेंट कि वायरसेस को हम ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। पैथोजेनिक होते हैं ये, पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाता है उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेन। तो हमने भी बात की कि वायरसेस क्या करते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं। उसके बाद बचे बात है कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। रेजिस्टेंस का मतलब है कि इनके अंदर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब अगर आप उसको एंटीबायोटिक्स दे दो। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटी का मतलब होता है किल करना, बायो का मतलब होता है लाइफ, लेकिन यहाँ पे हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरिया के लिए। एंटीबायोटिक्स आप तब लेते हो जब आप लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लेकिन अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो बायोटिक्स वो किसके लिए स्पेसिफिक है, बैक्टीरिया के लिए। वायरसेस उससे रेजिस्टेंट है, उससे उसका बचाव है, उसको एंटीबायोटिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यही बात यहाँ पे लिखी है, डेट वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पे दो एंटीबायोटिक के नाम लिखे हैं, पेंसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। साइज थी, उसमें उसकी लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी की बात की, रिप्रोडक्शन की बात की, बताया कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं और पैथोजेनिक होते हैं और रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक्स से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।